الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. हेलो अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, तो वेलकम बैक टू दी न्यू लॉग। तो आप सबको खुश आमदीद कहते हैं फरमान भाई के चैनल पे, और मैंने स्टार्ट लिया है माशाल्लाह कुरान मजीद से। तो ये चौथे ने आज पढ़ी है कुल हुवल्लहु अहद, तो माशाल्लाह शहजादी ने अच्छी तिलावत की है। तो अभी रूटीन व्लॉगिंग शुरू करते हैं और सीधा सीधा जाते हैं अपनी शॉप पर, और शॉप में जो भी होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बस आप लोगों ने एक ही काम करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे फरमान भाई के चैनल को ज़रूर करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1400 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो चलते शॉप पर। अच्छा व्यूअर, तो शॉप पे पहुंच चुका हो लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं, गाग माग नहीं है। तो एक तो बाइक की, मेरी बाइक की हॉर्न ख़राब है, क्योंकि आपका अगर हॉर्न ना हो और बाइक की हॉर्न ठीक ना हो तो यानी समझो आप पाकिस्तान में चल नहीं सकते। वो क्यों? वो इस वजह से कि लोग रोड पे चलते हैं, इसको अगर आप हॉर्न दोगे तो साइड पे होगे वरना नहीं होगे। जैसे कि रोड इन्हीं लोगों के लिए बनी हुई होती है, तो बाइक की हॉर्न ख़राब हो गई है तो वो बनाने चलते हैं। अगर नज़दीक से हुआ तो ठीक, वरना मेन होलसेल मार्केट चलते और उधर से बना कर आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी सी वीडियो भी शेयर करेंगे और फिर आते हैं अपने शॉप पर। तो मौसम चेक करें, मौसम बेहतरीन किस्म का मौसम बना हुआ है। और ये जो मरी रोड है उस पर फुल रश, उस साइड पे देखो उस साइड पे भी रश बना हुआ है। वो जो टूर करके आ रहे हैं वापसी पे, और ये लोग यहाँ पर जा रहे हैं इसी साइड से। मौसम है ज़बरदस्त, और क्योंकि आज ईद का 14 दिन है तो इसी वजह से रश उस साइड से आने वालों की ज़्यादा है, क्योंकि जो 3 दिन की छुट्टी आती है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। तो हॉर्न का काम नहीं हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था हॉर्न का काम नहीं हुआ, तो अभी जा रहा हूँ वापसी करके। उधर एक और इलेक्ट्रिशियन है उससे बात करते हैं। ये आने वाले गाड़ियों की लंबी लंबी कतार है, मरी से जो आने वाले लोग हैं क्या स्पीड मार रहे हैं। थोड़ी सी ये बाईपास की वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाते हैं। ये देखे आखिर तक लंबी लंबी कतार है ना। वो कहते हैं लोग टूर करके जा रहा है, पाकिस्तान के कोने कोने से आए हुए लोग वापसी कर रहे हैं। अच्छे यूट्यूबर, तो हॉर्न तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि ये दूसरे बंदे से भी ठीक नहीं हुआ, ये लोग मौसम चेक कर रहे हैं। और व्यूअर्स, क्योंकि ये 70% से 60-70% जो यहाँ पर है वो है फारसीबान लोग रह रहे। पहले हम कहते यार पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है ना, लेकिन अभी जो फारसीबान लोग आए तो अभी मुझे लग रहा है जमहूरियत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में और ख़ासकर इस्लामाबाद में। तो आप लोग ज़रा कमेंट करके बताएं कि जो फारसीबान लोग हैं, जो तकरीबन पाकिस्तान 70% आबादी इस्लामाबाद की फारसीबान लोगों की है, तो जो अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं, तो उसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं, तो पाकिस्तान को ये लोग फ़ायदा दे रहे हैं या नुकसान दे रहे हैं, तो आप लोग ज़रा कमेंट करके बताएं। हाय हाय व्यूअर्स, इतना गर्द, इतनी हवा, ये चेक करो। और आ चुकी है बारिश पिंडी के साइड से। तो पिंडी की साइड से आ गई है बारिश और हवा हो गई ठंडी, लेकिन गर्द बहुत ज़्यादा है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, दरख्तों से अंदाज़ा आप लोगों को लगता होगा। कहे चेक करें, पिंडी से आ रही है बारिश इंशाल्लाह।
अच्छा व्यूअर, तो मैं दुकान के अंदर ही पहुंच चुका हूँ। ये देखो बाहर इतनी गर्द है ना, हाय हाय हाय, मैं आपको क्या बता सकूँ, बताओ यार क्या लेवल का गर्द है। इतनी तेज़ हवा चल रही है, देखो इस बोर्डों से आपको अंदाज़ा होता होगा कि मैंने दुकानें बंद करके अंदर बैठा हुआ हूँ दुकान के अंदर, और बारिश का फ़िलहाल तो नामो निशान नहीं है, और जो मौसम बना हुआ था बारिश का वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, जैसे कि पहले मैंने वीडियो में आपको बताया। तो ये चेक कर रहे, दुकान बंद और आपका भाई अंदर ही बैठा हुआ है क्योंकि गर्द बहुत ज़्यादा आ चुका है। ये चेक कर, मैं आपको बताता हूँ ये गर्द, ओय होय होय क्या लेवल का गर्द है। ये देखो ये ज़रा चेक कर, ये गर्द होय 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 क्या लेवल का गर्द है। तो अभी आपका भाई फंस चुका है दुकान के अंदर और मैंने दुकान बंद करके अंदर बैठा हुआ हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाइट तो है, क्योंकि लाइट का इधर इतना मसला नहीं, इतना इशू नहीं। बिल तो दुम दबा की है, जो भी कहते हैं, जो अगर आप दो लाइट भी लगाए या पांच छह लाइट भी लगाए, एक पंखा लगाए, तो 10,000 कम से कम बिल तो आता है। तो ये बिल का तो मसला नहीं है, तो बिजली का भी मसला नहीं है, क्योंकि बिजली माशाल्लाह होती है हर टाइम। और ये है इस्लामाबाद के मज़े, और क्योंकि इस्लामाबाद में ये जो चोरी की वारदातें होते हैं, जिस तरह बिजली चोर होते हैं ना, जो बिजली चोरी करते हैं, तो इस्लामाबाद में कम है, इसी वजह से इधर बिजली तकरीबन जाती नहीं है। और माशाल्लाह, तो थैंक यू सो मच व्यूअर। तो बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्द है, मैंने थोड़ी सी दुकान खोल ली थी, मैंने कहा चेक करके आ जाऊं कि गर्द ज़्यादा है या कम, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्द है। तो फिर शटर नीचे करते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो गए 1400 सब्सक्राइबर। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक अच्छे नए और ब्लास्टिंग ला के साथ। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। घर तो चेक कर, शटर की हालत तो चेक कर, ठुक ठुक की आवाज आकर इतनी तेज हवा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक अच्छे नए और स्टैंडर्ड वा के साथ। लेकिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।